हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैंगिस्तान मूवी देख कर आया। तो बैंगिस्तान का जो अगर हम न्यूमरोलॉजी देखें, टाइटल है 25 पे ऐड होता है। 25 को ऐड करें तो 7 पे ऐड होता है। केतु का नंबर है ये, मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, पैसे कमाने के लिए अच्छा नहीं है। और जो लीड एक्टर है रितेश देशमुख, वो नंबर 8 है, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर नंबर 9 है। तो इन दोनों के भी जो नंबर है वो टाइटल के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी इस मूवी की कोई खास नहीं है। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी। आई फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं तो बैंगिस्तान जो है एक इमेजिनेटिव कंट्री है, जिसमें नॉर्थ बैंगिस्तान है और साउथ बैंगिस्तान है। तो नॉर्थ बैंगिस्तान तो एकदम पाकिस्तान जैसा है और साउथ बैंगिस्तान एकदम इंडिया जैसा है। नॉर्थ बैंगिस्तान में रितेश देशमुख कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो वहाँ पर अल काम तमाम एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो लोग रितेश को ब्रेन वॉश कर देते हैं और जिहाद के लिए रेडी कर देते हैं। वैसे ही साउथ बैंगिस्तान में पुलकित सम्राट एक रामलीला के एक्टर होते हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी है माँ का दल, तो वो लोग के जो लीडर हैं वो भी उसको पुलकित सम्राट को ब्रेन वॉश कर देते हैं और सुसाइड बॉम्बर बना के पोलैंड भेजते हैं। तो ये दोनों जो एक्टर हैं, हिंदू जो है वो मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम जो है वो हिंदू बन जाता है, और दोनों पोलैंड में आते हैं एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए सुसाइड बॉम्बर बन के। दोनों एक ही फ्लैट में रुकते हैं और उनकी बातचीत होती है, दोनों मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, और फिर बातचीत से उनको पता चलता है जो काम हम यहाँ करने आए हैं ये बहुत ही बेहुदा और व्यर्थ काम है, ये फुटाइल एक्सरसाइज होगी बॉम्ब उड़ाना। उनको समझ में आता है हम गलत कर रहे हैं। अब कैसे वो लोग इस देश को बचा पाते हैं और कैसे वो लोग बम नहीं फूटने देते हैं, इस फिल्म को देख के मालूम पड़ेगा। तो फिल्म में थोड़ी सी प्रीची हो जाती है आखिरी में, लेकिन मैसेज अच्छा है। तो ऑल इन ऑल फिल्म जो है इतनी अच्छी नहीं है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही बुरा है। शुरू के 10 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि इसका फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है। तो फिल्म के डायरेक्टर जो है वो करण अंशुमन है, जो कि पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिटिक हुआ करते थे। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही बुरी फिल्म बनाई है, उनको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं आता है, बहुत ही इमैच्योर डायरेक्शन है, और ये पिक्चर पक्का फ्लॉप होगी। और उनको कहीं से डायरेक्टिंग का कोर्स सीखना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आया फरहान अख्तर ने इतनी शॉर्ट स्क्रिप्ट को कैसे अप्रूव करा और कैसे फिल्म बनी, क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी अच्छा या यादगार नहीं है। अगर इस फिल्म की म्यूज़िक की बात करूँ तो राम संपत का म्यूज़िक है, कुछ खास नहीं है, सिचुएशनल गाने हैं। एक गाना जो इश्क करेंगे थोड़ा बहुत हिट भी हुआ था, वो पिक्चर में है ही नहीं। तो पिक्चर में कुछ भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो ये रितेश देशमुख इस फिल्म में सबसे अच्छे एक्टर हैं और बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, पर उनको भी वेस्ट किया गया है। उनका सीरियस रोल है, डेड पैन फेस से उन्होंने एक्टिंग की है, तो उनमें बहुत कैपेबिलिटी है, उनको ज़्यादा कुछ करने को इसमें भी मिला नहीं है। इस फिल्म में पुलकित सम्राट है, उन्होंने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। इस फिल्म में एक डायलॉग में रितेश देशमुख पुलकित को बोलते भी हैं, कितना बुरा एक्टर निकला यार तू। तो वाकई इस फिल्म में वो बहुत बुरे एक्टर निकले। पुलकित सम्राट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अपने आप को सलमान खान सही समझते हैं, वो पूरे सलमान खान हैंगओवर से ग्रस्त हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो हर सीन में सलमान खान बनने की कोशिश करते हैं, जब तक तो वो अपने आप को इस सलमान खान हैंगओवर से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे, अपने अंदर के ओरिजिनल एक्टर को नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक आई डोंट थिंक कि वो उस बॉलीवुड में लंबी इनिंग्स खेल पाएंगे। तो उनको जल्दी से अपनी एक्टिंग पे वर्क करना पड़ेगा। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस है, उसका एक गाना है, एक दो सीन है, कुछ भी करने को नहीं मिला, बेकार एक्टिंग है उनकी, कुछ भी नहीं आता उनको। फिर इस फिल्म में कुमुद कुमार मिश्रा के डबल रोल हैं, चंदन रॉय सान्याल हैं और आर्य बब्बर हैं। अब इन तीनों को भी डायरेक्टर ने बोला था कि आप लाउड एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग करो, हैमिंग करो, तो इन्होंने बहुत हैमिंग और बेकार एक्टिंग करी। इस फिल्म में एक्टिंग किसी की भी कोई खास अच्छी नहीं है। तो ऑल इन ऑल इस फिल्म को मैं 1.5 स्टार देता हूँ, 1.5 स्टार। ये बहुत ही बुरी फिल्म है, बिलो एवरेज फिल्म है, बॉक्स ऑफिस पे पक्का ये डिजास्टर होगी, साल की वन ऑफ द वर्स्ट फिल्मों में इसका नाम आएगा, बहुत इस साल की बुरी फिल्म है ये। तो भाई मैंने तो जो है ये फिल्म को झेला है बड़ी मुश्किल से। अगर आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी है तो भैया कुछ नशा वशा करके जाना, ये तो मेरी तरह पागल हो जाओगे। और अगर आपको इसी टेररिस्ट कॉमेडी टॉपिक पे कोई अच्छी फिल्म देखनी है तो ब्रिटिश इंडी कॉमेडी फोर लॉयंस आप देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए या वीडियो रेंटल करके देख लीजिए। इस घटिया फिल्म को ना देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।